प्रदेश में राजस्व से जुड़ा हर रिकॉर्ड अब ऑनलाइन हो गया है। प्रदेश के सभी 22 जिलों में आधुनिक राजस्व रिकॉर्ड रूम बनाए गए, जिसका उद्घाटन प्रदेश के सीएम मनोहर लाल ने किया, जिसके तहत जमीनी रिकॉर्ड के लिए आमजनों को पटवारी तहसील के चक्कर लगाने से छुटकारा मिल जाएगा। अब एक क्लिक पर उपलब्ध होगा सारा रिकॉर्ड। मनोहर सरकार ने प्रदेशवासियों को पटवारी और तहसील के चक्कर लगाने से छुटकारा दिला दिया है। अगर आपको अपनी जमीनों की रिकॉर्ड चाहिए तो अब आपको पटवारी और तहसील के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, क्योंकि प्रदेश सरकार ने प्रदेशवासियों को आधुनिक राजस्व रिकॉर्ड रूम का तोहफा दिया है, जिसके तहत एक क्लिक करते ही आपका सारा रिकॉर्ड आपके सामने होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ से आधुनिक राजस्व रिकॉर्ड रूम का उद्घाटन किया। 22 जिलों में जिन आधुनिक रिकॉर्ड रूम्स को आम जनता को समर्पित किया गया है, उनका पायलट प्रोजेक्ट 2017 से कैथल में चल रहा था। 4 जून 2017 को सीएम मनोहर लाल ने इस पायलट प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया था। वहां से पॉजिटिव रिपोर्ट के बाद ही अब इसे प्रदेश में धरती पर उतारा गया है। उधर सिरसा के बरनाला रोड स्थित लघु सचिवालय में रिकॉर्ड रूम का उद्घाटन बीजेपी नेता गोविंद कांडा, कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला और उपायुक्त अनिश यादव ने किया। इस मौके पर बीजेपी नेता गोविंद कांडा ने कहा कि इससे प्रदेश की जनता को फायदा होगा। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक डिजिटल जो योजना शुरू की थी, उसी को संज्ञान में लेते हुए हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये 22 के 22 जिले रेवेन्यू के अंदर जो डिजिटल किया है, उसको हमारे पूरे हरियाणा के लोगों को फायदा होगा, जिसके अंदर करीबन 18.5 लाख करोड़ एक रिकॉर्ड जो रेवेन्यू के अंदर डिजिटल हुआ है, उसी पूरे हरियाणा की जनता को इसका फायदा होगा। और हमारे मुख्यमंत्री जी पूरे हरियाणा को आगे बढ़ाते हुए, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी आगे बढ़ाते हुए, मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं इसके लिए। वहीं कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि राजस्व रिकॉर्ड रूम की शुरुआत होने से अब लोगों को इंतजार नहीं करना पड़ेगा। देखिए, बड़ा अच्छा लगा कि पहले हमारे 4 जिले जुड़े हुए थे, आज 11 जिले और जुड़ गए, और अगले इसी रूटीन में 1-2 महीने में पूरे के पूरे जिले सब हो जाएंगे। रेवेन्यू रिकॉर्ड पहले तो बड़ा मुश्किल होता था ढूंढना, बस्ते खोलना, अब सारा कुछ जो है वो आपका ऑनलाइन हो गया, पोर्टल पे सब चीजें मिलेंगी। मैं समझता हूँ कि आधुनिक दौड़ में आज हम सबके साथ जुड़ गए। जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, जब सारी ई गवर्नेंस का देख रहे हैं तो 100 विषयों पे सबसे ज्यादा उसका मिला है, तो ये बहुत अच्छी चीज है कि जिसमें मॉडर्न टेक्निक में आज आईटी का बहुत बड़ा रोल है, वो हमारे हरियाणा में भी आज शुरू हो गया। देखिए, आम लोगों को वेट नहीं करनी पड़ती, रिकॉर्ड नहीं मिला जी अगली बार आना, 10 दिन के बाद आना या फिर अगले सोमवार देखेंगे, अब तो चीजें सामने आएगा, आपको 10 मिनट में वेट करो, सब चीजें रिकॉर्ड आपके हाथ में होगा। उधर कुरुक्षेत्र के लघु सचिवालय में खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह और सांसद नायब सैनी ने कुरुक्षेत्र के आधुनिक राजस्व अभिलेखा कक्ष डिजिटल लॉकर का लोकार्पण किया। इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चंडीगढ़ से मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी उपस्थित रहे। इस मौके पर संदीप सिंह ने कहा, डिजिटल लॉकर में एक क्लिक पर पुराने से पुराना रिकॉर्ड उपलब्ध होगा। और पूरे 22 के 22 जिलों के अंदर रेवेन्यू रिकॉर्ड का जो है वो शुरुआत की है, जिससे कि आप पुराने से पुराने रिकॉर्ड को भी आप तकरीबन कई करोड़ कागजों को उन्होंने स्कैन करके, तो इसमें मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और उप मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ, जिससे कि आप पुराने से पुराना रिकॉर्ड
जो है वो आप निकाल सकते हैं और उसका कहीं पर भी कोई भी नुकसान नहीं हो सकता, जिससे कि जो रिकॉर्ड जो है वो कायम रहेंगे और हमारे कंप्यूटर्स में हमारे जो हमारे लैब्स हैं उसके अंदर पूरा का पूरा इसका। वहीं हिसार में विधानसभा उपाध्यक्ष और नलवा से विधायक रणवीर गंगवा ने लघु सचिवालय परिसर में मॉडर्न रेवेन्यू रिकॉर्ड रूम का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि वर्षों पुराने राजस्व रिकॉर्ड को डिजिटल करने से अब ये रिकॉर्ड सुगमता से एक क्लिक पर उपलब्ध होगा। इस अवसर पर जिला प्रशासन के कई अधिकारी मौजूद रहे। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का कि जिन्होंने हर रोज कोई न कोई नई सोच के साथ नए काम करने का कार्य किया है, आज जिस तरीके से 22 के 22 जिलों के अंदर पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो रिकॉर्ड रूम है उसको डिजिटल करने का काम किया है, उससे जो हमारे जो पुराने रिकॉर्ड है जो काफी टाइम तक किसी भी व्यक्ति को चाहिए तो वो एप्लीकेशन देते थे लेकिन बहुत टाइम तक उनका रिकॉर्ड मिल नहीं पाता था, उसमें ढूंढने में आसानी होगी। और जैसे ही कोई भी व्यक्ति आएगा कि हमें मेरा जो रिकॉर्ड चाहिए तो उसे वो किसी भी साल का हो वो तुरंत उसको जो उपलब्ध हो जाएगा। एक बहुत ही एक अच्छी सोच और बहुत ही अच्छी पहल करने का काम हरियाणा प्रदेश ने जो है वो किया है। प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर स्थित मॉडर्न रिकॉर्ड रूम और 11 जिलों में GIS लैब का शुभारंभ किया गया है। राजस्व रिकॉर्ड डिजिटल करने से जमीनी विवाद से लोगों को निजात मिलेगी, साथ ही वर्षों पुराना रिकॉर्ड एक क्लिक के माध्यम से उपलब्ध हो सकेगा। इससे लोगों के समय और धन दोनों की बचत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज़।